அபிஷேக் चल गया ना अपनी चाल। अब इससे पहले कि वो अपना गेम खेले हमें अपना काम करना है अभिषेक। पापा आप सही कह रहे, अन्ना का ना देख पाने का फायदा हमें उठाना ही चाहिए। वही तो, ये अन्ना भाई ने जो न्यूजीलैंड में गोखले बंधु की ब्रांच खोलने की परमिशन दी है उसका फायदा। क्या हुआ पापा, आप चुप क्यों गए मुझे देखकर? आप कुछ फायदे की बात कर रहे थे? हाँ, ए उर्मिली आया। मम्मी ने बुलाया भी नहीं। और अभिषेक अब सच सच कहो, क्या चल क्या रहा है ये सब? वो छोड़ो ना गायत्री, वो हमारे बीच की बात है तो छोड़ो ना तुम प्लीज। मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है अन्ना को ठीक होने में कितना समय लगेगा? हो जाएंगे ठीक जल्दी। अभी तो बहुत समय लगेगा अभिषेक बाड़ा, क्योंकि मैं बिना देखे ही देखना चाहता हूँ कि तेरे जैसा एक गुजराती बेटा और महेंद्र भाऊ जैसे एक गुजराती बाप मिलकर किस हद तक फायदा उठाते हैं मेरी दृष्टिहीनता का देखना चाहता हूँ मैं। एक हुए प्रभाकर भाऊ जी, अन्ना यहाँ सिर्फ मैं हूँ। वो मुझे दिख रहा है भाऊजी, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अन्ना कहाँ है? पता नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ आकर मसाले का डिब्बा है कि नहीं वो देखने को बोला। और आप सचमुच देखने बैठ गए? नहीं, मैंने मसाले का डिब्बा देखा तो मुझे एक धमाकेदार गीत सुना, तो कहीं वो गाना मैं भूल ना जाऊं इसलिए डब्बे को देख के। सुनो सुनो, इस गाने में तुम्हें मेरा एक नया क्रिएटिव एंगल दिखेगा। मसाले का डिब्बा पीतल का होता है इसलिए दिखता है वो पीला, सूरजमुखी पूरी तरह खिलता है तो दिखता है वो पीला। तो सूरजमुखी मसाले का डिब्बा एक हुए, क्यों बैठे हो दुखी हाय रब्बा एक हुए। खराब इसको लेकर, अरे बाप रे, अन्ना की नई चप्पल। इस पर भी मुझे गीत सो जाए। ओ भाऊजी, अन्ना तेरी चप्पल हो गई मैली। चप्पल मैं धो दूंगी, आप जाके अन्ना को ढूंढिए, पता नहीं कहाँ चले गए, एक तो वो देख नहीं सकते। उर्मिला वहिनी, उर्मिला वहिनी। अरे ये लीजिए खरदूषणा बे। क्या उर्मिला वहिनी, आपने मुझे डराने के लिए? आपको डराने के लिए नहीं, एक तो जमाना कितना खराब है बेन, तो मेरे जैसी कमसिन महिला का किसी गुंडे मवाली के साथ पाला पड़ गया तो इसलिए उसको डराने के लिए ये। अरे अब मुझे बताइए कल के प्लान का, मुझे वापस जल्दी घर जाना है। कल का प्लान 100% पक्का है। अरे बेन, कल वहाँ बहुत बड़ा सट्टा होने वाला है। हाँ, और बेन आपको आपको बहुत हाई क्लास और तबला तोड़ गेम खेलनी है कल। 20,000 रुपए लेके आना। 20,000? अच्छा ठीक है, तो फिर 2,00,000 बस। अच्छा ठीक है, तो 20,00,000, 20,00,000 फाइनल अभी बस। उर्मिला वहिनी 20,00,000? तो अभी क्या 2 करोड़ बोलूं मैं? 2 करोड़ रुपए लाएंगी कहां से आप? हैं दो करोड़ है बस, बाकी के? बाकी के 3 करोड़ का मैं चेक दे दूंगा गोखले बंधु के नाम से। नहीं नहीं दीवान साहब, अरे आप आपके हाथों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं इतना भारी भरकम चेक साइन करने के लिए? मैं आपको एक इजी ऑप्शन देता हूँ, आप 3 करोड़ में से सिर्फ 1 ही करोड़ ट्रांसफर कीजिए गोखले बंधु के अकाउंट, और बाकी के 2 करोड़ मैं एक और अकाउंट नंबर देता हूँ उसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए। क्या है, हम सारे भाई मिलके थोड़ा थोड़ा बोझ उठा लेंगे। लेकिन ट्रेडमार्क तो अन्ना साहब के नाम पर है ना? हाँ, तो अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर पैसा मतलब? क्या है दीवान साहब, अन्ना ने दुकान की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने सबसे लाडले बेटे यानी मेरे नाम पे कर रखी, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए प्लीज। तो एक काम कीजिए, आप अन्ना साहब से मेरी मीटिंग करवा दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता। आप समझे नहीं दीवान साहब, अगर आपकी मीटिंग करवाई तो अन्ना दुकान और ट्रेडमार्क दोनों बेचने से मना कर देंगे। मतलब आप उनको बिना बताए ये सौदा कर रहे हैं, इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं नहीं दीवान साहब, आप समझे नहीं। आप तो जानते हैं अन्ना बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके, सठिया गए, एक भी डिसीजन वो नहीं ले पा रहे ठीक से,
इसीलिए तो उन्होंने दुकान की पावर ऑफ अटर्नी अपने विश्वास पात्र यानी मेरे नाम पे कर रखी है। इसी अधिकार का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है मैं फ्रॉड कर रहा हूँ? लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो इसलिए दीवान साहब क्योंकि आप मौके की नजाकत समझ नहीं पा रहे। रोज सवेरे गोखले बंधू के बाद जितने लोग बाकरवड़ी के लिए लाइन लगाते हैं उससे कई ज्यादा लोग गोखले बंधू का ट्रेडमार्क खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। एक मिनट, ये देखिए पेपर्स, इसमें गोखले बंधू की ब्रांच कहीं भी खोल सकते हैं, ये परमिशन दी हुई। लेकिन इसमें तो लिखा है कि न्यूजीलैंड में खोल सकते हैं। करेक्ट, लेकिन उसके बाजू में एक एरो की है, वो नहीं दिखा आपको? उसमें लिखा है न्यूजीलैंड में और कहीं भी। दीवान साहब, बस ऐसा ही एक एरो आप आपकी लिखी हुई किस्मत में डालकर उसे बदल सकते हैं। फायदा ही फायदा है। मेरे पास तो 10,000 ही है। ठीक है, तो बाकी का बंदोबस्त मैं कर दूंगी। आप इतना डरती क्यों हैं? वो डर पिक्चर की गुलाब चावला की तरह। जूही चावला? हाँ भाई, हाँ बदू सेम हवे। अभी गुलाब जूही दोनों है तो फूल ही ना, क्या फर्क पड़ता है? आप क्या बाल की खल निकलने बैठ जाते हो बेनी। जोत्सना, जोत्सना, ठीक हो जोत्सना? धन्यवाद। वैसे तुम इस समय उर्मिला बहन के साथ क्या कर रही थी यहाँ पे? आपको कैसे पता चला अन्ना भाई कि मैं भी यहाँ पर हूँ? सुगंध, अब आप बालों में फूल डालती है ना, उसकी सुगंध, प्लास्टिक का फूल है, उसकी सुगंध कैसे आएगी? सुगंध आई, लेकिन मैंने रक्षाबंधन को आपको जो इत्र दिया था ना, हमारे महाराष्ट्र की जड़ी बूटी वाला, उसका भरपूर उपयोग किया है आपने। याद बहुत रहता है अन्ना भाई आपको? याद तो अभिषेक की भी बहुत आती है मुझे। मैं समझ में नहीं आता इससे प्यार करूं या इस पर गुस्सा करूं। एक तरफ मैं गिर रहा हूं तो मुझे बचा रहा है और दूसरी तरफ महेंद्र भाव के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। अन्ना भाई संभल के चलिए, संभल के। वैसे मुझ दृष्टिहीन को सहारा किसने दिया? आप ही देखता हूं क्या जवाब देता है। एक ही नोट को कितनी बार गिनेंगे केशव आप? कह रहा दीवान साहब, पिछली बार गिना तो 100 रुपए ज्यादा हो गए, उसके बाद गिना दूसरी बार तो 500 रुपए कम हो गए, इसलिए तीसरी बार गिन रहा हूं ताकि। देखिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर 100 रुपया ज्यादा भी आ गया तो। मुझे है ना दीवान साहब, वरना मेरी अंतरात्मा जिंदगी भर मुझे धिक्कारती रहेगी कि केशव तूने एक भले आदमी की मेहनत की कमाई लूट ली, इसलिए जब मैंने दूसरी बार गिने तो 500 कम आ गए तो ये। कोई बात नहीं, आप 500 ज्यादा ले लेना मेरे से। नहीं नहीं दीवान साहब, लगभग हो ही गया है, 2 बार तो गिन चुका हूं, बस ये आखिरी तीसरी बार गिन रहा हूं। कौन हो भाई तुम जिसने मुझे गिरने से बचाया? क्या करूं, मुझे दिखता नहीं है ना, कौन हो? कौन ये अपनी प्रतिमा है अन्ना भाई, देखिए देखिए प्रतिमा, देखिए। अरे अरे क्या कर रही है उर्मिला बहन? क्षमा करना हाँ प्रतिमा, अंजन में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। ये क्या है उर्मिला बहन? धन्यवाद धन्यवाद प्रतिमा बाड़ा मुझे संभालने के लिए। उर्मिला बहन, ये प्रतिमा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे वो तो चली गई। मेरी दृष्टि तो चली गई, प्रतिमा भी चली गई। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि
वो कल दोपहर को 12 बजे रसीला को फोन लगाना। नहीं, दोपहर को नहीं। दोपहर को मुझे और जामुड़ा बेन को बाहर जाना है। वो आपकी आंखों के लिए एक मस्त आयुर्वेदिक मिल गए ना हमको, तो हम लोग उनके पास जा रहे हैं कल, रन। अरे वाह जामुड़ा बेन, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ जामुड़ा बेन। चलो जोचना, अभी मुझे खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना भी ना दे दो, एक तो दिखता नहीं है, आंखों की समस्या, ऊपर पेट की समस्या। लाला, दम लो बाबा, दम लो, दम लो। 8 बार गिने आपने पैसे। आओ। आपके कलेजे को ठंडक पड़ी? पैसे कम तो नहीं पड़े? आए एक मिनट, ये ना सिर्फ ये जो है ना नोट यहाँ पे, दीवान साहब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नोट पे, अगर बदली कर सके तो। क्या है, किसी ने लिया नहीं लिया तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। ले लीजिए। अरे देव, छुट्टी नहीं आपके पास? रख लीजिए। कोई बात नहीं, चलिए। हाँ दीवान साहब, अगले शुक्रवार को गोखले बंधु से जुड़े सारे राइट्स आपके, अगर चेक क्लियर हुआ तो। हो जाएगा। मुबारक हो। आपको भी। अब इस बंदर की रस्सी मेरे हाथ में आ गई है, जैसे नचवाना चाहूंगा वैसे नाचेगा ये। और पानी डालिए मुन्ना दादा, और पानी डालिए। देखिए काकी, मुन्ना दादा ने कंगाली में आटा गीला कर दिया। तुम ही जरा गप्पा बसा रहे। वहीनी, इतनी लाल दाल, अरे इतनी सारी मिर्ची क्यों डाली आपने? उज्ज्वला ज्योति के बारे में कुछ बोल रही थी ना, वो सुनने के चक्कर में मिर्ची का अंदाजा नहीं रहा। अरे तू चम्मच से डालना चाहिए था ना, चम्मच तो है अपने घर में। लेकिन निर्मिति, अंडा को कहाँ दिखेगा कि ढेर सारी मिर्ची की वजह से दाल लाल हो गई है। अंडा दाल खाएंगे तब। ऊपर से वहां देखिए, अंडा का खास चमचा, उसका चेहरा देखकर तो लग रहा है वहीनी कि वो अन्ना से जाके चुगली करने वाला है। देवा 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 देवा, मेरे अन्ना की दृष्टि डायनासोर की भांति विलुप्त तो हो गई है, उसका अनुचित लाभ। तू फिर से संस्कृत में बोला, तुझे अब छोड़ूंगी नहीं चोमड़े। जा वाड़ा साफ कर, वरना नहीं। जल्दी कुछ कीजिए, वरना सब लोग भूख भूख करते यहाँ आ जाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से दूसरी दाल बनाइए। उज्ज्वला तू जाके वाड़ा साफ कर, मैं जाके अन्ना की चप्पल साफ कर देती हूँ। सब्जी गिरी थी, मैं तो भूल ही गई, मैं आती हूँ। दूसरी दाल। अब ये क्या क्या है ये? अरे बाप रे, क्या ये घर के लोग बिना कुछ भी गंदा। मेरे घर में पहनने वाले चप्पल पे सब्जी बिब्जी किसने गिराई? वो भी बैंगन की सब्जी। क्या घर वाले भी है ना। अन्ना, अरे वो तो अपने कमरे में होंगे ना बाड़ा। आई? हाँ। आप ठीक तो है ना? हाँ, उर्मिला वहिनी ने कल कहीं चलने के लिए कहा है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मुझे जो पूछना है मैं डायरेक्ट पूछूंगी आई। 400-400 रुपए वाली स्ट्रॉबेरी के 4 पैकेट आप इतने आसानी से लेके आई, जबकि घर की हालत अभी। अरे वो तो उर्मिला वहिनी, उन्होंने मंगवाई थी कहीं से थोक के भाव में, तो उन्होंने मुझे 4 पैकेट दे दी। मैं तो मना कर रही थी नहीं चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कसम से शुरू करके पूरे महादेव पेट की, फिर पूरे पुणे की, और फिर तो पूरी दुनिया की कसम ले ली। हाँ उर्मिला वहिनी। हाँ बोलिए निरुपमा बेन। निरुपमा बेन,
आपने किस नाम से सेव किया मेरा नंबर? नाम तो मैंने वीरभद्रा बेन करके सेव किया है। अरे ऐसे कैसे कुछ भी आप... अरे ओ बेन, क्या फर्क पड़ता है? मैं समझ गई ना कि आप अन्ना भाई की छोटी बहू और वो कपटी अपना केशवनाथ की बीवी बोल रही है। इतना काफी नहीं है क्या आपके लिए कि अभी आप नाम के बाल की खल निकलने बैठ गई? दे मुझे दे। ये आपसे ये पूछना चाहती है कि आपके पास स्ट्रॉबेरी है क्या उर्मिला वहिनी? है स्ट्रॉबेरी? ले ये तो मैंने पहली बार किसी को मांगते हुए देखा। नहीं मींस के लोग अपने पड़ोसी से चाय की पत्ती शक्कर ये सब मांगते हैं, ये तो मैंने देखा है, लेकिन स्ट्रॉबेरी मांगते? मतलब आपके पास नहीं है, लेकिन आई तो कह रही है कि आपने ही दिए उन्हें। हाय हाय, मैंने ऐसा कब बोला कि मेरे पास नहीं है? मैंने तो ऐसा बोला कि किसी को ऐसा मांगते हुए मैंने देखा नहीं है। क्योंकि क्या है, दे तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन मांग कुछ भी नहीं सकते हैं ना। अभी क्या है कि आपके घर में मेरी बेटी है, तो मैंने सोचा मैं दे देती हूँ 4 पैकेट स्ट्रॉबेरी के। नहीं नहीं, 4 नहीं 40 पैकेट दे देती हूँ ऐसा। नहीं नहीं, 40 नहीं, 4 लाख पैकेट देने थे मुझे तो, लेकिन मिले नहीं ना, तो मैंने 4 पैकेट दे दिए। लेकिन आप है ना बेन, अब ये बात वो सारथी बेन को मत बताने बैठना, क्योंकि क्या है ना, वो बेचारी फिर रोने बैठ जाएगी ये सोच करके उसके मायके से तो सिर्फ दातुन आते हैं। हालांकि दातुन है ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि वो काम में ज्यादा आती है। और हेलो आप सुन, हेलो ये है, काट दिया, हो गई ना तसल्ली। अभी तो उर्मिला वहिनी ने कवर अप कर लिया आई, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं मिली है। देखिए मैं जो कहती हूँ सामने कहती हूँ और क्लियर कहती हूँ। आप मुझे नर्वस दिख रही है और इसके पीछे के रहस्य से मैं पर्दा हटा के रहूंगी। अन्ना, निर्मित कौन? निर्मित आई है क्या? अन्ना आपकी चप्पल किसने साफ की? मैंने साफ की। क्या है ना, उसपे वो सब्जी बिब्जी गिरी हुई थी तो मैंने साफ कर दी। हाँ सब्जी गिरी थी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि इस पे? देख नहीं सकता तो क्या हो गया निर्मित, स्पर्श करने से तो पता चलता है ना कि सब्जी गिरी हुई है, चिकन मैंने साफ कर दी। अन्ना अगर आपको कुछ दिखता नहीं तो फिर आपने चप्पल उठाया क्यों? चप्पल को थोड़ी ना कोई सहलाता है। अमूल, अमूल को बुलाता हूँ, वो मेरी मदद करेगा। वो देखिए उधर भी कचरा। देवा 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 देवा। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं आप अमूल काका? तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ वाड़ा साफ करने में। हाँ, अगर कचरा होगा ही नहीं तो तुम लोग साफ क्या करोगे? अमोल बाड़ा, अमोल काका जाइए, आपको मेरे देव तुल्य प्राण प्रिय अन्ना ने बुलाया है। तीनों अरे वाह, लेके आ गए हमारे शूज, लाइए दिखाइए। जूते? कैसे जूते? वही जो लेने गए थे, आपने ही तो बोला था कि मैं तुम्हारे जूते लेने गया हूँ। हाँ, बोला था मैं गया भी था दुकान में, लेकिन दुकान बंद थी, सिर्फ चप्पल थी। दुकान बंद थी तो सिर्फ चप्पल कैसे? इनका ध्यान कहीं और है, ठीक से झूठ भी नहीं बोल पा रहे। अच्छा चलो, जूते के बदले और क्या लाए आप हमारे लिए, दिखाइए। मंदर आदम इधर से पकड़िए। अरे इसमें नहीं है जूते, बोले ना छोड़ो 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 छोड़ो, बोला ना कोई जूते वूते नहीं है इसमें। मुझे भी देखना है। अरे अमोल जा, अन्ना बुला रहे, जा जा तू जा।
दुकान का हिसाब किताब है बड़ा इसमें। दुकान का हिसाब किताब ये बैग में। बिक्री ज्यादा हुई ना उज्ज्वला। बिक्री ज्यादा हुई बड़ा हिसाब किताब है। अच्छा बिक्री ज्यादा हुई तो इसमें पैसे लाइए दिखाइए। अरे क्या पैसे, कोई पैसे वैसे नहीं है इसमें। चला दिखाइए। मंदा दादा पापा का बहाना सुन के ना मुझे ना मजा नहीं आया। समझ गया ना तू बाड़ा। हाँ तो बताएगा नहीं ना किसी को, वादा कर मुझसे, खा कसम मेरी। अरे मजा बाड़ा। अच्छा वो दाढ़ी भी कुछ तो लगाए देख, झटक दे। अन्ना आपको कैसे पता चला कि मेरी दाढ़ी में तिनका है? आप अभी आंखों से देख नहीं सकते मालूम। जानता हूँ लेकिन क्या है ना, मैंने अपने मन की आंख से देख लिया तेरा चेहरा। मेरे मन में है ना तेरी एक छवि है, वो बिल्कुल ऐसी है ऐसी दाढ़ी में तिनके वाली। इसलिए पता चल गया। अन्ना तो आपके मन की आंखों से केशव दादा को भी देखे ना, वो ना ऐसी बैग लेके आए थे ऐसी बाइक।